दुनिया के सात अजूबे। दुनिया के सात अजूबे या आश्चर्य वे सुंदर स्मारक हैं जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। आओ इन प्रसिद्ध स्मारकों को जानें। इस स्मारक को क्या कहते हैं? ये ताजमहल है। ये अपने देश भारत के ही एक शहर आगरा में है। संगमरमर के इस स्मारक ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अरबी में इसका अर्थ होता है महलों का ताज। इस स्मारक को क्या कहते हैं? ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चीन में है। ये 2300 साल पुरानी और 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इस स्मारक को क्या कहते हैं? ये है माचू पिचू। ये पेरू में स्थित है। केचुआ भाषा में माचू पिचू का अर्थ होता है पुरानी चोटी या पुराना पर्वत। माचू पिचू अंतरिक्ष पर रिसर्च करने वाली एक ऑब्जर्वेटरी भी है। इस स्मारक को क्या कहते हैं? ये है रोमन कोलोसियम। ये रोम में स्थित है। कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा रंगभूमि स्मारक है। इसकी अंडाकार संरचना करीब 12 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची है। इस प्राचीन मैदानी स्मारक में आज का एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम आराम से समा सकता है। इस स्मारक को क्या कहते हैं? यह है क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। यह रियो डी जेनेरो में है। क्राइस्ट द रिडीमर की बाहरी परत करीब 60 लाख सोपस्टोन टाइल्स से बनी है। माना जाता है इन टाइल्स को बनाने वाले मजदूरों ने उनके पीछे कई संदेश भी लिखे थे। जरा सोचो इस प्रसिद्ध प्रतिमा में कितने सारे संदेश छुपे हुए होंगे। इस स्मारक को क्या कहते हैं? यह है पेट्रा। यह जॉर्डन में स्थित है। पेट्रा नाम ग्रीक भाषा के शब्द पेट्रोस से आता है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। इसके पत्थरों के रंग की वजह से इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। 1812 से पहले दुनिया से अज्ञात रहे इस शहर को लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। इस स्मारक को क्या कहते हैं? ये है चिचेन इत्ज़ा। ये युकाटन में स्थित है। चिचेन इत्ज़ा एक मायन शहर है जहां माया सभ्यता द्वारा बनाया एक बहुत बड़ा और मशहूर पिरामिड मंदिर है। इसकी 365 सीढ़ियां साल के 365 दिनों का प्रतीक हैं।